हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है। जी हाँ, क्योंकि आज मैं जिस टॉपिक पे वीडियो बना रही हूँ या जो रेमेडी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, बात करूँ तो बहुत ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है। जी हाँ, और ये प्रॉब्लम हर किसी को फेस करनी पड़ती है, स्पेशली हम लेडीज़ को ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ स्ट्रेच मार्क्स की। तो स्ट्रेच मार्क हर किसी को होते हैं, स्पेशली ये प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में ज़्यादा होते हैं। 90% लेडीज़ को स्ट्रेच मार्क्स की प्रॉब्लम प्रेगनेंसी के टाइम में ही होती है। तो आप समझ गए कि स्ट्रेच मार्क्स की प्रॉब्लम कितनी ज़्यादा कॉमन है और ये हर किसी को होती है। अगर आप वक्त रहते अपने इसका ख्याल कर लेते हो तो ये बहुत ईजी रिमूव हो जाते हैं, कोई खास प्रॉब्लम नहीं होती। तो जी हम बात करते हैं कि स्ट्रेच मार्क्स होते क्या हैं। तो अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ तो स्ट्रेच मार्क्स क्या होता है, जब हमारी स्किन जो है ज़रूरत से ज़्यादा एक लिमिट से ज़्यादा स्ट्रेच हो जाती है तो क्या होती है, फिर वो अपने वापस शेप में नहीं आ पाती। मतलब सिंपल सी बात, वहाँ पे कोलेजन बनना बंद हो जाते हैं तो वहाँ की स्किन जो होती है वो डैमेज हो जाती है। तो ये होते हैं स्ट्रेच मार्क्स। अब स्ट्रेच मार्क्स दो तरीके के होते हैं, एक होता है एक्टिव स्ट्रेच मार्क्स होता है जो ब्लू एंड रेड कलर में आपको दिखाई देते हैं और ये बहुत आसानी से खत्म हो जाते हैं अगर अपनी स्किन की अच्छे से केयर करते हो। तो एक दूसरा स्ट्रेच मार्क्स होता है जिसे बोलते हैं वाइट एंड ग्रे स्ट्रेच मार्क्स, जो काफ़ी टाइम पुराने हो जाते हैं। तो आप देखते होंगे वो स्ट्रेच मार्क वाइट को खत्म होने में टाइम लगता है, ये इजीली रिमूव नहीं होते। तो ये हो गए स्ट्रेच मार्क्स क्या होते हैं, किस तरीके के होते हैं, मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं आज की रेमेडी की। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ रेमेडी लेकर के आई हूँ, बहुत ही ज़्यादा आसान है, अफोर्डेबल है, पैसे नहीं खर्च होने, सबसे खास बात मतलब कम पैसों में आपको बहुत ज़्यादा इफेक्ट देने वाली है। अगर आप इसे रेगुलर यूज़ करते हो तो आपको इसका बहुत ही अच्छा इफेक्ट देखने को मिलेगा और सबसे खास बात है कोई पैसे नहीं खर्च होंगे और इसका इफेक्ट भी आपको बहुत ही अच्छा मिलेगा। 5 या 10 मिनट ही आपको उसको यूज़ करना है, इससे ज़्यादा आपको इस्तेमाल भी नहीं करना। और दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो आइए चलिए दोस्तों, देखते हैं बढ़िया से रेमेडी को मैं बनाने के। तो दोस्तों, स्ट्रेच मार्क्स की रेमेडी बनाने के लिए आपको लेनी जो है सबसे पहली चीज़ वो है शक्कर। जी हाँ, शक्कर बहुत ही अच्छा नेचुरल स्क्रब का काम करती है, आपके डेड सेल को रिमूव कर देगी और साथ में आपकी स्किन को सॉफ्ट भी बना देती है। तो आपको शक्कर लेनी है। शक्कर अभी फिलहाल तो हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से लेना है, तो 1 से 2 चम्मच के करीब हम लेंगे। जी हाँ, उसके बाद दूसरी चीज़ जो हम लेंगे वो है नींबू। जी हाँ, आपको नींबू लेना है। मैं यहाँ पे आधा नींबू यूज़ कर रही हूँ, अगर आप ज़्यादा बना रहे हैं तो एक नींबू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फिलहाल हम इसमें आधे नींबू का इस्तेमाल करेंगे और इस तरीके से हम इसमें अच्छे से मिक्स कर देंगे। जी हाँ, अब तीसरी और लास्ट चीज़ जो हम इसमें ऐड करेंगे वो है कोकोनट ऑयल। जी हाँ, मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल यूज़ कर रही हूँ। आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे मैरिट वीसीओ का एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल यूज़ कर रही हूँ। जी हाँ, मैं कोकोनट ऑयल इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि कोकोनट ऑयल में विटामिन ई होता है जो हमारे स्ट्रेच मार्क्स को रिमूव करके हमारे स्किन टोन को लाइट बनाता है। तो अगर आप इसे कोकोनट ऑयल अगर आपको ये नहीं मिलता तो आप जो रेगुलर कोकोनट ऑयल आते हैं वो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल यूज़ करेंगे तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा होगा। और ख़ासकर मैं बात करूँ मैरिट वीसीओ की तो ये बहुत ही अच्छा है, मैं इसे यूज़ कर रही हूँ रेगुलर और आप देख भी सकते हैं मेरी बॉटल आधी हो गई है, तो ये बहुत ही अच्छा है। तो हम इसको कुछ जी अब हम इसे कोकोनट ऑयल ऐड करें, कोकोनट भी आधे से 1 चम्मच के करीब लेके इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमारे ये बढ़िया से स्ट्रेच मार्क्स की रेमेडी बन करके तैयार है। आप इसे अपने बाथरूम में एक एयर टाइट कंटेनर में भी रख सकते हैं, जब आपको यूज़ करना हो तब आप इसमें शक्कर और वो कोकोनट ऑयल मिक्स करके लगा लें। इस तरीके की एयर टाइट कंटेनर में आप इसे खाली करके रख सकते हैं। अब मैं आपको इसे अपने हाथों पर लगा करके दिखाती हूँ। तो दोस्तों, मैं अपने हाथों पे से आपको लगा करके दिखा रही हूँ, आपके जहाँ भी स्ट्रेच मार्क्स हो आपको वहाँ पे लगाना है इसे। इस तरीके से आपको अपने हाथों पे लेना है और इसे अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है पहले ही। अब मैं आपको इसको दिखा रही हूँ, हमें इस तरीके से अपने हाथ मसाज करनी है आपको अपने स्ट्रेच मार्क्स पे, और हमें इसे तब तक मसाज करनी जब तक ये जो शक्कर है पूरी तरीके से मेल्ट ना हो जाए। तो हमें कम से कम 5 से 10 मिनट तक इसे सर्कुलर मोशन में मसाज करनी है अच्छे से, ताकि डेड सेल भी हमारी रिमूव हो जाएगी। और हाँ जी दोस्तों, आपको करने से पहले अपने जंचेस भी एरिया की आप करें वहाँ पे आपको अच्छे तरीके से गर्म पानी से अपने उस एरिया को वॉश कर लेना है, उसके बाद आपको ये स्क्रब यूज़ करना है या ये रेमेडी यूज़ करनी है। आप देख सकते हैं मेरी जो शक्कर है वो मेल्ट हो गई है। आप इसे एज अ स्क्रब भी यूज़ कर सकते हैं, बॉडी स्क्रब की तरह भी इसे यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बस दोस्तों, ये हमारा जो था स्क्रब पूरी तरीके से हो चुका है, शक्कर हमारी पूरी तरीके से मेल्ट हो चुकी है। अब हम इसे वॉश कर लेंगे।
तो उसको मैंने अपने हाथ को वॉश कर लिया है और ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट लग रहा है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया उसमें मैंने कोकोनट ऑयल डाला हुआ था और शक्कर, जिसकी वजह से मेरा हाथ बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है। स्किन भी काफ़ी एकदम बेबी सॉफ्ट जैसी हो रही है। तो आप भी इसे यूज़ करके देखिए, बहुत अच्छा आपको इफेक्ट देने वाला है। साथ में जितनी भी डेड सेल थी आपकी वो भी रिमूव हो जाएगी। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की रेमेडी। आई होप आपको मेरी आज की रेमेडी पसंद आई होगी। तो दोस्तों अगर आपको मेरी ये रेमेडी पसंद आई होगी तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा मेरे इस चैनल को। तो दोस्तों मैं मिलती हूँ हमेशा की तरह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।